तो भाई फिलीज टेंगुर, सो गाइस आपने देखा होगा M5 का रॉयल पास आज के दिन गेम के अंदर आ गया है एंड हम लोग इसको बिल्कुल मैक्स आउट करने वाले हैं, वो भी 600 यूसी के अंदर, क्योंकि मेरे पास 600 यूसी है अभी एंड इसमें हम लोग इसको मैक्स आउट करेंगे। मजाक करो, तो इसको हम लोग मैक्स आउट करेंगे अभी एंड साथ ही साथ आपने देखा होगा गेम के अंदर एना कैरेक्टर आ चुका है, कल के दिन ही आ गया था, होपफुली आपने अपडेट कर लिया होगा गेम को। एंड इस वाले कैरेक्टर को सीरियसली मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही फ्री में लूंगा इसी वीडियो के अंदर, बिल्कुल ही फ्री में, मतलब मेरी जेब से एक भी यूसी मेरा कटेगा नहीं। एंड यहाँ पे देख लो मेरे पास थोड़े बहुत इसके कूपन भी हैं एंड उसके बाद जो बचे हुए यूसी है मेरी जेब से अपना एक भी नहीं कटेगा, बिल्कुल इसको फ्री में रहेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। M5 के रॉयल पास के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है, एक एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो रॉयल पास है बहुत ही बढ़िया है। एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर पॉसिबल है तो मेक श्योर आप लोग रॉयल पास लेना, क्योंकि ये वाला रॉयल पास सच में बहुत ही बढ़िया है। लगभग 10 से 15 रॉयल पास के गिव अवे तो मैं खुद ही कर दूंगा हर बार की तरह, उसके लिए जस्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड वीडियो पे लाइक जरूर देना। हम लोग गिव अवे वैसा वाला ही करेंगे जैसे हर बार करते हैं, रैंडम कॉमेंट पिकअप वाला, वो मुझे ज्यादा ठीक लगता है एंड कन्वीनियंट भी है। तो चलो यार यहाँ पे हम लोग अपने रॉयल पास को अपग्रेड कर लेते हैं एंड उसके लिए मुझे BGY ने कुछ गिफ्ट भेजे थे तो मैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इनकी वजह से मेरा रॉयल पास अपग्रेड करना काफी इजी हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अभी चलते हैं अपग्रेड करने। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक इलीट पास ले लेते हैं एंड इसकी वजह से हमारी जो रैंक है वो डायरेक्ट हो गई है इलीट एंड ये हो जानी चाहिए 13, ठीक है बिल्कुल सही। एंड यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद ओके नॉर्मली अपने को यूसी चाहिए एंड यहाँ पे चलते हैं आगे। लीथल क्रिस्टल सेट ये मिल चुका है मेरे को, गार्डियन MK47 मिल चुकी है, लीथल क्रिस्टल कवर इसका ही था एंड ये जो इसका मास्क था ये भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी अपने को मिल चुकी हैं एंड एक्चुअली काफी बढ़िया सारा का सारा सामान ही चल रहा है इसमें। यहाँ पे इन आरपी पॉइंट्स को भी पूरा का पूरा कर लेते हैं एंड इसके बाद ये हो जाएगी रैंक 40, ठीक है तो काफी बढ़िया है। एंड जो बच्चा को सारा का सारा सामान है वो भी कलेक्ट कर लेते हैं, नाइस। तो मुझे प्लेन की फिनिश मिल चुका है, कार 98 मिल गई, गार्डियन कार 98 काफी बढ़िया है। बाकी अगर देखा जाए लोगों ने 13 रैंक से लेकर 40 रैंक तक हम लोगों को सिर्फ दो ही मिथिक आइटम दिए हैं, क्योंकि उन दोनों की एनिमेशन आई थी, उसके अलावा मुझे कोई एनिमेशन देखने को मिली नहीं, तो काफी मैंने इस चीज को कभी नोटिस ही नहीं किया था। एंड उसके अलावा तो अपनी कितनी रैंक रह गई है, 40 तक हो चुकी है ना, तो 10 रैंक और करनी है। इसके लिए भी BGY वालों ने मुझे छोटा सा गिफ्ट दिया था तो इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अभी जो हम लोगों की रैंक है ना वो काफी इजी हो जानी चाहिए। यहाँ पे जाके रैंक परचेस कर लेता हूँ एंड 1000 का एक परचेस करना ही सफिशियंट रहेगा आई थिंक, एक परचेस कर लेते हैं, एक के अंदर अपनी 10 रैंक तो बढ़ जाएगी। एंड फाइनली यहाँ पे ब्लू का हो चुका है मैक्स आउट रॉयल पास एंड फ्री में कर लिया मैंने तो बहुत बढ़िया चीज है। तो चलो यार यहाँ पे भी जो एक आखिरी चीज है ना इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा अपना मैक्स आउटफिट वैनगार्ड सूट, तो ओके, एंड ये रहा इसका वैनगार्ड कवर, तो दोनों चीजें मिल चुकी है अपने को एंड ये था पूरा का पूरा रॉयल पास हमारा M5 का। एंड यहाँ पे एक और अलग टाइप की एनिमेशन आई है, तो इन लोगों ने जो मैक्स आउटफिट है उसको अलग तरीके से शो किया है, बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे। एंड एक बार इसको डाल के भी देख लेते हैं, तो ये रही हमारी आउटफिट एंड इसके साथ जो इसका हेड केयर है आई थिंक यही वाला, ये देखो भाई इस तरीके से लगने वाली है हम लोगों की आउटफिट। एंड जो मेरे को यहाँ पे पोसिडियन सेट वाला बैकपैक मिला था ना इसके साथ पूरा का पूरा मैच हो रहा है, तो काफी सही है, इसको मैं एक सीजन चला सकता हूँ। हालांकि इन लोगों ने अपना बैकपैक भी दिया हुआ है, तो अगर ये वाला बैकपैक देखें तो थोड़ा हल्का टाइप का लग रहा है मेरे को, क्योंकि पता नहीं, लेकिन आप बताओ ना खुद ही, मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें इस वाले को पोसिडियन वाले को तो नॉर्मल सी बात है, ये महंगा भी काफी ज्यादा था, तो उस हिसाब से ये काफी बढ़िया लग रहा है, तो इसको भी चलाएंगे कुछ। तो भी आप लोग देख सकते हो एक कमाल की चीज है, मैंने शुरू किया था 600 UC से, आपने मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ना कि हम लोग 600 UC के अंदर रॉयल पास को मैक्स करेंगे और अभी मेरे पास है 1800 UC, तो अभी मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा अपने एना करेक्टर में, क्योंकि मैं वैसे भी इसके लिए काफी एक्साइटेड था। ओके, तो ये रहा हम लोगों का एना करेक्टर एंड इसके लिए हम लोगों को सिर्फ 215 UC चाहिए, तो ये वाला यूसी हम लोग इसी में से इन्वेस्ट करेंगे। मेरी जेब से एक भी यूसी ना चाहते हुए मुझे बिल्कुल ही फ्री में एना करेक्टर मिल चुका है, तो ये काफी बढ़िया चीज है। एंड वैसे आप लोग को भी एना करेक्टर मिल जाएगा, नो डाउट, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बस ये थोड़े से मिशन वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो वैसे वो इजी है काफी ज्यादा, इवन मैं भी वो करता है, लेकिन अभी मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी हो गई है आप लोग की दुआ से, तो मेरे को फ्री में एना करेक्टर मिल चुका है, तो वैसे मैं एना करेक्टर को भी एक बार लगा लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई एना बिल्कुल सच में गुंडा टाइप का लग रहा है यार इसको, हाँ अभी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एना करेक्टर, एंड एना करेक्टर के आती मेरी पता नहीं जो M416 थी उसकी शाइन ही चली गई है, मतलब जो M416 है वैसे वो ग्लो करता रहता है लेकिन एना करेक्टर के साथ वो ग्लो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इवन जो मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स सेटिंग की हुई है लॉबी की वो HDR पे ही है, लेकिन जो एना करेक्टर है उसके साथ इसका ग्लो खत्म हो गया है। कहीं पे अगर इसको हम लोग नॉर्मल के ऊपर ले आते हैं एंड नॉर्मल पे नॉर्मल पे लाने के बाद वापस से
ग्लो आ जाता है, लेकिन एना करेक्टर के साथ पता नहीं इसकी शाइनी खत्म हो गई, तो पता नहीं कोई ग्लिच वगैरह होगा आई थिंक। बट बेस्ट पार्ट ये कि अपने को एना करेक्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल गया, एंड दूसरी बेस्ट पार्ट ये कि अपने को बिल्कुल फ्री में मिल गया। जब फ्री में कुछ मिलता है तो सबको बहुत खुशी होती है, तो यही चीज है यार। एंड आप लोग के लिए मैं 15 रॉयल पास का गिव अवे कर दूंगा, तो बिल्कुल सिंपल रहेगा, जस्ट कमेंट वाला सीन रहेगा, रैंडम कमेंट पिकर से पिक करेंगे। मेनली दो ही चीजें आपने ध्यान रखनी है, एक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि उनके ही कमेंट पिक करेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड दूसरी चीज आप वीडियो पे लाइक कर देना, वो जस्ट सपोर्ट के लिए, वैसे उसका लेना देना नहीं है कुछ वजह से, बट तब भी लाइक बढ़ाने के लिए कहना पड़ता है, लाइक कर देना मेक श्योर आप लोग। तो गाइस आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय बाय।